शुभमन गिल, वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन, जो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं प्रीवियस सीरीज में, इंटरनेशनल के अंदर, आईपीएल में ये ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इनको अब समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल में जो बॉलिंग होती है, जो पिचेस होती हैं, जो ग्राउंड होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो आईपीएल में नहीं होते। एशिया कप 2023 इंडिया स्कोर इज हेयर, और आज की वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे। और एज अ क्रिकेट फैन मैं वीडियो के अंदर और आप कॉमेंट सेक्शन में ये बताएंगे भाई, एज अ क्रिकेट फैन, कि क्या आपको लगता है कि इंडिया का स्कॉट इस काबिल है कि वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को हरा कर एशिया कप जीत सकता है श्रीलंका में, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। चलिए जी, इंडिया स्कॉट फॉर एशिया कप 2023, रोहित शर्मा द कैप्टन। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ ये आ रही थी कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे, कोई दूसरे अफराद कैप्टन होंगे, पर रोहित शर्मा, ठीक है, अफराद क्यों बोला बाय, मैंने पता नहीं क्यों, अजीबोगरीब विदाउट स्क्रिप्टेड वीडियोज होती हैं, जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, तो इग्नोर कर लेना। शुभमन गिल, वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन, जो बहुत ही बुरा खेल रहे हैं प्रीवियस सीरीज में, इंटरनेशनल के अंदर, आईपीएल में ये ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इनको अब समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल में जो बॉलिंग होती है, जो पिचेस होती हैं, जो ग्राउंड होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो आईपीएल में नहीं होते। चलिए जी, शुभम गिल जो है ओपन करेंगे रोहित शर्मा, आई थिंक शुभम गिल का ये आखिरी चांस होगा, अगर एशिया कप में परफॉर्म नहीं करते तो उनको टीम से बाहर निकाला जाएगा, आई डोंट नो, ये सुनने में आ रहा है इंडियन न्यूज़ एंड ऑल। विराट कोहली, ठीक है, द किंग कोहली वन डाउन आएंगे, एंड ये तो कोई सोचने वाली बात भी नहीं थी अगर विराट कोहली स्क्वाड के अंदर ना हो। इंडिया जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि विराट कोहली फिट रहे, विराट कोहली सारे टूर्नामेंट्स खेले, और विराट कोहली वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया को एक अच्छे मार्क पे लेके जाए, मे बी वर्ल्ड कप जिता सके, क्योंकि होम ग्राउंड के अंदर है, होम कंडीशंस के अंदर है, तो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वर्ल्ड कप जीतना बहुत लाजमी है। चलिए जी, नेक्स्ट है ईशान किशन, मेरे एक और फेवरेट बैट्समैन, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं आईपीएल के अंदर, काफ़ी अच्छी बैटिंग करी अभी कुछ मैचेस में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, लेकिन पूरी तरह अपने आप को मनवा नहीं पाए। और जितने भी बैट्समैन हैं जो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम को लगता है कि यार ये इंटरनेशनल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, वो नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंडीशंस नहीं होती, छोटी बाउंड्रीज नहीं होती, वो पिचेस नहीं होती, फ्लैट पिचेस नहीं होती, और वो बॉलर्स नहीं होते, तो फेटी लगती है इनको, और इसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए भाई ईशान किशन, मैं वेट कर रहा हूँ एज अ फैन कि ये कब परफॉर्म करेंगे, और कब परफॉर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आईपीएल में परफॉर्म करते थे, अगर उसका 10% भी कर जाए ना ये, तो ये कम से कम एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो जाएंगे ये। तिलक वर्मा, एक और आईपीएल का नाम, ठीक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ये आईपीएल के आएंगे भाई, लेट्स बी रियल, अब जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। तिलक वर्मा एक बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ हार्दिक पांड्या को जिता नहीं पाई, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे तगड़े बैट्समैन हैं, अगर चल जाएँ तो मामला ख़राब हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा पिक। श्रेयस अय्यर, कोलकाता माय फेवरेट आईपीएल टीम के कैप्टन, इंजर्ड रहे और अभी इनकी इंजरी जो है ख़त्म हो चुकी है और अभी ये वापस टीम में आ गए, तो सो फार जो टॉप 5 टॉप 6 बैट्समैन हैं इनके, और अभी और भी बैट्समैन आएंगे, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है कि क्या होने वाला है मैचेस में, क्योंकि अगर ये टिक गए दोस्तों, अगर ये टिक गए तो वाड़ हो जाएगी। नेक्स्ट अप है केएल राहुल, परफॉर्मेंस अगेंस्ट न्यू बॉल शाहीन हमने देखा, नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर ये भाई साहब टिक गए तो ये वही वाली बात है कि अगर टिक गए, ये जितने भी प्लेयर्स हैं दोस्तों, अगर ये टिक गए तो मामला ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट अप स्काई 360, सूर्य कुमार यादव, और बहुत ही अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, अभी तक टू बी ऑनेस्ट विद यू ये करीब हैं मनवाने के, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट बिग टीम्स है वो उतनी ख़ास नहीं है। बहुत सारी उम्मीदें हैं एज अ क्रिकेट फैन कि सूर्य कुमार यादव वो परफॉर्मेंस दिखा पाएँ जो आईपीएल में दिखा रहे हैं, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। हार्दिक पांड्या नेक्स्ट अप, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, अभी इनकी बॉलिंग बहुत ही बुरी चल रही है, अभी जो मैंने पिछले सीरीज़ के मैचेस देखे हैं, लेकिन और ना बैटिंग इनकी कोई खास चल रही है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं कि आपकी टीम में लाजमी होने चाहिए, और इसी वजह से हम लोगों ने भी फहीम अशरफ को इसलिए रखा है क्योंकि एक ऑलराउंडर लाजमी होना चाहिए जो लास्ट के 3 ओवर के अंदर आकर वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, तो हार्दिक पांड्या वैसे प्लेयर हैं। नेक्स्ट अप रविंद्र जडेजा, सेम बिल्कुल सेम कैटेगरी के प्लेयर मैं बोलूँगा कि ये भी वक्त बदल गए, जज्बात बदल के कर सकते हैं, और इन्होंने आईपीएल के फाइनल में किया था, वो बॉलर की गलती थी ठीक है, लेकिन बैट्समैन का भी होता है ना भाई कुछ ना कुछ, तो रविंद्र जडेजा भी ऐसे वो प्लेयर हैं। अक्षर पटेल ये वो बैट्समैन हैं, मैं बैट्समैन बोलूँगा क्योंकि बॉलर अभी सेकंड हो गए हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं भाई ये, और ये भी वो बैट्समैन हैं जो एंडिंग में बहुत ही सपोर्ट करेंगे। अब देखो पूरे स्क्वाड को अगर हम देखें ना,
तो सिर्फ 11 ही प्लेयर खेलेंगे, लेकिन हम स्क्वाड को देखें तो रिप्लेसमेंट भी बहुत सॉलिड हैं। और ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट, पाकिस्तान इंडिया ये दो को मैं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं एशिया कप जीतने के लिए। मेरी परेशानी थी कि पाकिस्तान एशिया कप जीतेगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी टीम को देख के लग रहा है भाई बहुत सॉलिड टीम है। नेक्स्ट अप शार्दुल ठाकुर, कोलकाता के प्लेयर, माय फेवरेट टीम के प्लेयर, और बहुत ही सॉलिड गेम परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई आईपीएल के अंदर, और पूरी पूरी गारंटीड के साथ मैं बोल सकता हूँ ये एशिया कप में बहुत तंग करने वाला है बैट्समैन को एज अपनी बॉलिंग के थ्रू और बॉलर्स को अपने बैटिंग, क्योंकि बैटिंग भी बहुत और बहुत ही कमाल स्क्वाड जो इंडिया ने चुना है वो इस वजह से भी है कि जितने भी बॉलर्स हैं वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो जो 50 ओवर का गेम होता है ना दोस्तों, आप कुछ भी कर लो वो इन दी एंड आके फंसता ही है आखिर के 5 ओवर में, और आपको ऐसे क्रूशल बैट्समैन चाहिए होते हैं जो एक अच्छे बैट्समैन भी हों बॉलर के साथ साथ। और अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये वो प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे कंडीशन में और मुश्किल सिचुएशंस के अंदर जो है ना इंडिया को मैच जिता सकते हैं। नेक्स्ट अप कुलदीप यादव, कुलदीप यादव बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं इनका नाम सुन के डर गए हैं, क्योंकि लेग स्पिन के खिलाफ जो है एक तो राशिद खान वहाँ से अफगानिस्तान से हो गए और दूसरा ये इंडिया से कुलदीप यादव हो गए, तो बाबर भाई जो है ना थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अब वो उनकी क्या प्लानिंग थी, क्या होगी और इन बॉलर्स के खिलाफ वो देखा जाएगा, ठीक है जब मैचेस स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी तक बाबर आजम स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लेग स्पिनर और कुलदीप यादव जो है बहुत तंग करने वाले हैं बाबर आजम को। नेक्स्ट है मोहम्मद शामी, एक्सपीरियंस बॉलर, कूल एंड काम, एम एस धोनी के बाद कोई ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल कूल एंड काम रहता है और रन भी खाता है तो बिल्कुल पोकर फेस होता है, और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और एक्सपीरियंस का नाम लिया तो इनके वेलकम बैक हम कहेंगे जसप्रीत बुमराह, वेलकम बैक टू द स्क्वाड। और अभी आयरलैंड के खिलाफ जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी वो काफ़ी अच्छी थी, ये इंजरी के बाद जो इनका पहला मैच था अगेंस्ट आयरलैंड और बहुत ही अच्छा मैच हुआ, अच्छा हराया आयरलैंड को, लेकिन छोटी टीम है ठीक है, लेकिन एशिया कप का जो प्रेशर है आई थिंक ये दो एक्सपीरियंस बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शामी विल हेल्प इंडियन क्रिकेट बॉलर्स टू बोल वेल, स्पेशली मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, क्योंकि ये दोनों ऐसे यंगस्टर्स हैं कि जब यहाँ पर हिट होता है ना मैच के कंडीशंस में, जो मुश्किल कंडीशंस आ जाती हैं जब यहाँ पर हिट होता है तो ये दोनों बॉलर्स थोड़ा सा टाबल टोर हो सकते हैं, तो तब मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यूज़फुल होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो दिस इज़ द स्क्वाड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशिया कप 2023। अब बात आ जाती है आप लोगों की, लेकिन उससे पहले मैं अपना प्रेडिक्शन दे दूँ कि मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है कि भाई इंडिया का स्क्वाड बहुत ही तबाही है, ठीक है, और एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन मैं डर रहा हूँ बहुत धुलाई होने वाली है अगर ये टिक गए, जितने भी बैट्समैन हैं अगर ये टिक गए धुलाई ताबड़तोड़ होने वाली है। होप फॉर द बेस्ट, इंडिया परफॉर्म अच्छा करे एज अ क्रिकेट फैन, लेकिन एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन आई होप कि अच्छा परफॉर्म ना करे, ठीक है जी। बहुत बहुत ताबड़तोड़ और सॉलिड स्क्वाड इंडिया ने सेलेक्ट कर लिया है और बहुत ही मज़ा आने वाला है एशिया कप में, स्पेशली पाकिस्तान वर्सेज इंडिया ये गेम में। और अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों का क्या लगता है। मुझे तो लगता है बहुत सॉलिड स्क्वाड है, अब तक जितने भी एशिया कप के टीम आई है मुझे लगता था पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, लेकिन नहीं, आई थिंक इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड इन दिस एशिया कप। चलिए दिस इज द वीडियो ऑफ मी रिव्यूइंग इंडिया स्क्वाड फॉर एशिया कप 2023। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।